तो आर शिनोबीज कैसे हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दाते भाइयों, सर आज के हम बात करने जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ, तुम लोग तो यहाँ थंबनेल देख के आए हो। सो फाइनली इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद और वीडियो को दूसरी बार रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो आ चुकी है। या ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रही है। भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे रिकॉर्ड करा था वो फाइल सारी की सारी करप्ट हो गई थी, वरना ये वीडियो 16 तारीख को ही अपलोड हो जाती। तो भाई इससे पहले मैं तुम्हें मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सुना के बोर करने लगूं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दाते भाइयों, तो भाई हमने देखा था कैसे हमारी टीम 7 फॉरेस्ट ऑफ डेथ को पास कर लेती है काबुटो की हेल्प से, और इसके बाद जैसे हमारी टीम 7 अर्थ स्क्रोल और हेवन स्क्रोल को एक साथ ओपन करती है तो वहां पर एक जोनिन अपेयर होता है। इस बार इरुको सेंसे इसलिए अपेयर नहीं हुआ क्योंकि वो नारुतो से कभी मिले ही नहीं। इसके बाद वो जोनिन हमारी टीम 7 को आगे का रास्ता दिखाता है। इसके बाद हमारे हीरोज देखते हैं कि उनके अलावा भी यहाँ ढेर सारे शिनोबीज हैं जो पास कर चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ डेथ को। इसके बाद हमें थर्ड होकागे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे शिनोबीज फॉरेस्ट ऑफ डेथ को इतनी आसानी से पास कर लेंगे। इसके बाद लाइक ओरिजिनल थर्ड होकागे चुनिन एग्जाम के पास्ट और हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए एक स्पीच देते हैं, और जैसे थर्ड होकागे थर्ड एग्जाम के बारे में कुछ बताने जा रहे होते हैं उतने में ही वहाँ पर एक जोनिन आ जाता है जिसका नाम होता है गेको हयाते। सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। दाते भाइयों, और वो जोनी इन सभी से कहता है कि तुम सभी को थर्ड एग्जाम देने से पहले एक प्रिलिमिनरी राउंड देना होगा। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और सभी के मन में चल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इतनी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ आया हूँ, इतनी आसानी से तो मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। और नारुतो सास्के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और इसके तुरंत बाद नारुतो सास्के दोनों का ही कर्स मार्क बहुत ज़्यादा ही पेन करने लगता है और नारुतो का कर्स मार्क धीरे धीरे फेड होने लगता है ड्यू टू नाइन टेल्स चाकरा। इसके बाद हमें अनको को दिखाया जाता है जो कि थर्ड होकागे से कहती है कि हमें इन दोनों को ये प्रिलिमिनरी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए और इन दोनों को अनबु ब्लैक ऑप्स की टाइट सिक्योरिटी में रखना चाहिए क्योंकि इन दोनों का ही कर्स मार्क कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और इसे तुरंत बाद ही वहाँ पर काकाशी सेंसेई आते हैं और वो अनको से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो बड़ी आसानी से मान जाएंगे पार्टिसिपेट ना करने के लिए, भूलो मत कि वो दोनों उचिया क्लैन से हैं एंड डोंट वरी इन दोनों ही गारंटी मैं लेता हूँ अगर कुछ भी गलत होता है तो। और काकाशी सेंसेई की बात सुनने के बाद थर्ड होकागे मान जाता है नारुतो और सास्के को पार्टिसिपेट करने देने के लिए। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि काबुटो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है चुनिन एग्जाम्स में से। इसके बाद जोनिन जिसका नाम गेको होता है वो सभी से कहता है किसी और को अपना नाम विड्रॉ करवाना है तो अभी आगे आ सकता है। और साकुर अपना हाथ उठाने लगती है नारुतो और सास्के दोनों के कर्स मार्क के बारे में बताने के लिए, बट सास्के साकुरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरे लिए चुनिन एग्जाम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्ग शिनोबीज हैं मुझे उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और ये करने के लिए मुझे उन सभी को हराना होगा, मैं एक अवेंजर हूँ और मुझे अपना रिवेंज पूरा करना है और मुझे जिसे सबसे ज़्यादा लड़ने का मन है वो तुम हो नारुतो। और इस पॉइंट के बाद नारुतो और सास्के दोनों के पीछे एक छोटी सी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है ये प्रूफ करने के लिए कि दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। इसके बाद हमारे प्रीलिमिनरी राउंड स्टार्ट हो जाते हैं और फर्स्ट मैच होता है सास्के वर्सेस योरोई। सास्के सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके मन में चल रहा होता है ये हो ना कुछ बात। इसके बाद सभी वो एरिया खाली करने लगते हैं और अपर ग्राउंड में जाने लगते हैं ताकि वो फाइट को अच्छे से एंजॉय। इसके बाद सब कुछ ओरिजिनल की तरह ही होता है, लाइक सास्के ये फाइट जीत जाता है और योरुई को हरा देता है और इसके बाद काकाशी सास्के को अपने साथ ले जाता है और सास्के की कर्समा को सप्रेस कर देता है अपने सीलिंग जूत्सू से। और इसके बाद वहाँ पे ओरोचिमारू आ जाता है और काकाशी और ओरोचिमारू कुछ देर तक बात चलती है। और इसके बाद जितने भी फाइट्स थी वो बिल्कुल सेम ही थी, लाइक शीनो वर्सेस साउंड निंजा, कॉन्क्रो वर्सेस मिसुमी, शिकमारू वर्सेस साउंड निंजा एंड साकुरा वर्सेस इनो। बट साकुरा वर्सेस इनो की फाइट में साकुरा क्लियरली जीत जाती है बट वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो भी नॉकडाउन हो जाती है तो ये मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसके बाद फाइट होती है नारुतो वर्सेस कीबा की। कीबा बस ज़्यादा टाइम पास नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसका अपोनेंट एक उचिया है। कीबा अपने साथ साथ अकमारू को भी फूड पिल खिला देता है और दोनों का ही चाकरा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
इसके बाद कीवा अपना बीस्ट मिमिक्री जूतू इस्तेमाल करता है और कीवा को भी अपनी तरह ही ट्रांसफॉर्म कर देता है, और इसके ऊपर कीवा अपना शेडो क्लोन भी क्रिएट कर लेता है। अब नारुतो के सामने 1v3 की सिचुएशन हो चुकी थी और कीवा अपना फैंग ओवर फैंग जूतसू नारुतो को इस्तेमाल कर देता है और नारुतो बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को बचा पाता है, बट नारुतो ढेर सारी हिट्स ले रहा होता है अपने ऊपर और ऐसा बहुत देर तक चलता है। और इसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है और नारुतो की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। इसके बाद कीवा नारुतो कहता है, मुझे लगा था कि तुम उचिहा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, अब कहाँ गई वो तुम्हारी स्ट्रेंथ, दिखाओ मुझे। और इसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, और इसके बाद कीवा कुछ ऐसा बोलता है जो कि हमारे नारुतो को मोटिवेट करता है होकागे बनने के लिए। और कीवा कहता है कि अगर मैं इस विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के मेंबर को हरा सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं होकागे भी बन सकता हूँ। और कीवा नारुतो पर हंसने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और वो धीरे धीरे उठता है और वो कीवा से कहता है कि होकागे वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, होकागे वो होता है जिस पे पूरा विलेज ट्रस्ट करता हो, और अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा क्योंकि नेक्स्ट होकागे मैं ही बनने वाला हूँ, तत्ते भायो। और हम देखते हैं कि नारुतो अपनी शारिंगन एक्टिवेट किए होता है और उसकी बॉडी पे कर्स मार्क धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है और सभी जोनिन्स अलर्ट मोड पे चले जाते हैं, बट हम देखते हैं कि नारुतो का कर्स मार्क उसकी बॉडी पर से धीरे धीरे टोटली गायब हो चुका है और अब नारुतो कीवा से बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के फाइट कर सकता है और नारुतो ये फाइट कीवा से जीत भी जाता है 1v3 सिचुएशन होने के बाद भी। और इसके बाद जो लास्ट फाइट होती है वो होती है 11v3 जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही होती है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।